फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुषमा क्रिएटिव गार्डन में। फ्रेंड्स, ये है एस्पैराग्रस फर्न, फर्न की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी। और इसको देखिए कितना प्यारा लगता है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है इसकी गर्मियों में। समर ग्रोइंग प्लांट है ये, गर्मी में ये तेज़ी से फैलता है। वैसे परमानेंट प्लांट है, एक बार इसको आप लगा लेते हैं तो हमेशा ये बना रहता है अपने गार्डन में। और ये धीरे धीरे करके जब इसको लगाते हैं, नर्सरी से लाते हैं, तो पौधा तो थोड़ा छोटा रहता है, फिर पॉट पूरा भर जाता है। धीरे धीरे पॉट इस तरीके से फूल हो जाता है, देखिए कितना घना हो गया है, रुशी हो गया है। तो इसको अब रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करना 2 साल पे 3 साल पे ज़रूरी होता है। जब ये पूरा रूट बाउंड हो जाए गमले में, फिर इसको रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने टाइम फिर आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। डिवाइड करने का इसका एक तरीका वही है, रिपोर्टिंग समय ही इसको डिवाइड कीजिए, इसलिए कि ऊपर से जब भी खींच के पौधे लगाएंगे, ऊपर से वैसे देखिए फ्रेंड्स, मैंने निकाल के रखे हैं पॉट से नीचे, अभी देखिए इस तरीके से फैलता है ये। छोटे से पॉट में भी अगर इसको लगाते हैं ना, तो बहुत बुशी लुक देता है, खूबसूरत और तेज़ी से फैलने वाला ये पौधा है, अपने गार्डन को सुंदर भी बनाता है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड करना होता है, तो रिपोर्ट करने के समय ही डिवाइड करना होता है। और इसके ट्यूब होते हैं, ट्यूब जो होते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स, ट्यूब होते हैं, इसी से आप डिवाइड करके इस ट्यूब को अलग करके, और ऊपर से कुछ पत्तियां भी रहेंगी उसके ऊपर, उसको आप लगाइए। चाहे जितने पौधे बनाएं, इससे एक से बहुत सारे पौधे बनते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए इसको डिवाइड करके रखा है, इसको मुझे लेकर जाना है कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना है, तो मैं अभी सोची चलो आपके साथ शेयर कर लूँ कि इसको कैसे रिपोर्ट करना है और कैसे फिर इसे डिवाइड करना है, एक से ज़्यादा पौधे जब हमें बनाने होते हैं। फिर तो यही तरीका है इसको एक से ज़्यादा पौधे बनाने का, तो रिपोर्टिंग ही इसका बेस्ट आइडिया है। और रिपोर्ट करना भी ज़रूरी होता है जब पॉट पूरा फूल हो जाता है रूट से, नहीं तो फिर पॉट फटने का भी डर होता है। इसको रिपोर्ट करने टाइम फिर थोड़ी मिट्टी इसमें, दूसरी मिट्टी भी मिक्स करके मिलाएं, जिसमें कि कंपोस्ट डालिए, पूरा गोबर की खाद इसमें मिक्स कर दीजिए। गोबर की खाद इसके लिए बहुत अच्छा है, ये पूरा ग्रीनरी देता है, पत्तियां बहुत ज़्यादा इसमें होती हैं, तो ये नाइट्रोजन इसको बहुत ज़रूरी होता है, गोबर की खाद से ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है और ऐसे ही हेल्दी बना रहता है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसे नहीं चाहिए फ्रेंड। जब इसको आप लगाते हैं गमले में, तो लगाने टाइम इसमें गोबर की खाद ले लीजिए और नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए 40-40%, और फिर 20% इसमें डाल दीजिए रिवर्सेंट। इतना में ये पौधा बहुत अच्छा चलेगा, परमानेंट प्लांट है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, कम हो जाती है, और पानी का इसमें पानी ट्यूब में भरा रहता है, तो पानी थोड़ा कम ही दें। पानी जब देख लें कि ऊपर की सॉइल इसकी सूख गई हो, फिर इसमें पानी दीजिए, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। और गर्मियों में ये पौधा बहुत ज़्यादा धूप ना दें, इसे 2-4 घंटे की धूप दें, लेकिन अभी तो रेनी सीजन आ गया है, तो बीच बीच में धूप निकलेगी, कभी बारिश होगी तो ये झेल लेता है। कि सर्दियों में ये पौधा थोड़ा सा इसकी ग्रोथ रुक जाती है, सर्दी में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन पौधा ऐसे ही बना रहता है। ये परमानेंट प्लांट है एस्पैराग्रस फर्न, और ये एक ग्रास है जो कि गमले में लगा देने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। इसको हैंगिंग प्लांट्स भी ये है, इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसी तरीके से डिवाइड करके आप लगाएं फ्रेंड्स। मिट्टी तो बनाने के लिए मैंने बता ही दी है, पानी भी इसमें कम देना है, तो इतना में ये पौधा बहुत अच्छा चलता है। इसे धूप तो चाहिए, सर्दियों में इसे पूरे टाइम धूप में रखें तो अच्छा है, सिर्फ गर्मी में इसे थोड़ी कम धूप चाहिए, बहुत दोपहर की धूप से इसे बचाना होता है। और रेनी सीजन में तो ये बहुत अच्छा चलता है। अभी देखिए इसकी नई लीव्स कितने सारे नए ब्रांच भरे हुए हैं, और अभी मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, तो बहुत सारे पौधे बनाने भी हैं मुझे। हालांकि मेरे गार्डन में स्पेस कम है, ज़्यादा पॉट एक ही पौधा का मैं नहीं भर सकती, लेकिन अभी मुझे दूसरे जगह लेके जाना है, वहाँ मैं लगाऊंगी। तो आप सबके साथ सोची चलो क्यों ना मैं वीडियो बना शेयर कर लूँ रिपोर्टिंग का, और साथ में डिवाइड का। डिवाइड करने का तरीका मैंने बताया फ्रेंड्स, इस तरीके से गमले से पॉट से इसे निकाल लीजिए और यहाँ से फिर अलग कर लीजिए, धीरे धीरे कीजिए, ताकि ऊपर का ये ब्रांच भी ना टूटे और नीचे से ट्यूब भी साथ में सेफ निकल जाए।
फिर ये पौधा दोबारा से इस पॉट में जब डालते हैं तो थोड़ी मिट्टी में कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। फिर ऐसे ही इसको दोबारा रिपॉट कर दीजिए, बहुत अच्छा चलेगा फ्रेंड्स और खूबसूरत भी दिखता है एस्पैरगस फल। और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला है और गार्डन में चलने वाला है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।